जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। जब अपनी जान पर बन आती है तो इंसान को सेल्फ डिफेंस में उठाना पड़ता है एक ऐसा कदम जिसके लिए शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन जान तो बचानी है, इसलिए इंसान को भले ही मजबूरी सही लेकिन ना चाहते हुए भी उठाना पड़ता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा कदम जिसके लिए वो तैयार नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही दे दिया था मैसेज कि धर्म युद्ध की लड़ाई आसान नहीं होती है और धर्म की रक्षा के लिए इंसान शांति वार्ता करके हल नहीं निकाल सकता। तो जब द्वापर युग में इस तरह की बातें हुई और वहीं से संदेश मिला तो आज के समय में क्या किसी युद्ध का समाधान शांति वार्ता से निकाला जा सकता है? क्योंकि आज का समय ऐसा है जो इंसान की बुद्धि सही तरीके से कैसे काम करे। जब परिस्थितियां विकट हों, अगर सामने वाला अटैक पर अटैक करता जाए तो कब तक इंसान बुद्ध की नीतियों को अपनाकर अहिंसा के रास्ते पर, महात्मा गांधी के दिखलाए हुए रास्ते पर चलता रहेगा? म्यांमार वो बुद्धिस्ट कंट्री जिन्होंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन आज वहीं पर उन लोगों ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिखलाया। वहाँ पर पहले 45% मुस्लिम्स रहा करते थे, जितनी पॉपुलेशन म्यांमार की है उसमें से 45%, लेकिन आज उन्होंने अपनी तरकीबों के द्वारा, अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा आज पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम्स की केवल 1% रह गई है। यानी हर तरह का दांव खेलना ही पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, अन्यथा या तो खुद मर जाओ। भारतवर्ष खुद मरने वाला नहीं है, तो अपने आप को बचाने के लिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया था कि हे पुत्र, हे पार्थ, अब तुम उठा लो अस्त्र, क्योंकि अस्त्र उठाए बिना तुम्हारा अब कोई चारा नहीं है। यही है मौका जब तुम्हें खुद की सुरक्षा करते हुए धर्म की भी रक्षा करनी है। अब भगवान कल्कि भी जब कलयुग में आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो वो ना चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी को तैयार करेंगे उस आने वाले पल के को एक्सेप्ट करने के लिए, उस धर्म युद्ध की लड़ाई को लड़ने के लिए जिसे केवल शांति वार्ता से नहीं जीता जा सकता। क्योंकि आज भले ही हमारा नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हैं वो अटैक करें, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध को हिंसा से नहीं बल्कि शांति से टाला जा सकता है। आज का समय युद्ध का नहीं है, लेकिन उनकी ये विचारधारा धीरे धीरे बदलेगी। 2025 से 2032 के बीच 7 साल जब भारतवर्ष की मंगल की महादशा स्टार्ट होगी। भारतवर्ष की वृषभ लग्न की कुंडली है और उसमें मंगल की महादशा 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ये वो समय रहेगा मंगल की महादशा, मंगल यानी युद्ध का कारक और राहु देव यानी राजनीति के कारक। और मंगल बहुत फास्ट एक्शन में बिलीव करते हैं, शनि देव की तरह नहीं, धीरे धीरे शनै शनै नहीं चलते। तो जब मंगल की महादशा होगी, भारतवर्ष के लिए एक चैलेंजिंग टाइम की शुरुआत हो जाएगी। अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारे ऊपर कॉन्स्पिरेसिस के तहत अटैक करते हैं तो क्या हमारा देश चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा? अभी भले ही हमारा देश पूरी दुनिया में एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन ये बातें बदलेंगी 2025 से, जब कालखंड एक अलग घटना की ओर इशारा कर रहा है। जब सामने वाला हथियार उठाएगा, हमारे देश को भी मजबूरी में ही सही लेकिन युद्ध का सहारा लेना ही पड़ेगा। कारगिल युद्ध भी लड़ा गया, हमारे देश के द्वारा जीत भी हासिल हुई। तो जीतने के पहले अस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे। केवल हाथ जोड़ने से सामने वाला सुनने वाला नहीं है,
इसलिए सामने वाले को सबक सिखलाने के लिए आँखें भी दिखलानी पड़ेगी और हाथ भी चलाना पड़ेगा। सिर्फ हाथ यदि जोड़े गए तो उन हाथों को तोड़ दिया जाएगा। हमारा देश आज बहुत सक्षम देश है। अंदर ही अंदर हमारे देश की सेना, चाहे वो जल हो, थल हो या नभ, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, तीनों ही हमारे देश में बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मिसाइल्स और बड़े बड़े वेपन बहुत मजबूत हमारे देश में भी आज इकट्ठे कर लिए गए हैं। युद्ध की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक टाला जा सके तो 2025 से 32 नेबरिंग कंट्रीज़ का अटैक हमारे देश में कभी भी किसी भी पल हो सकता है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत ऑलरेडी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आज हमारे देश में लगातार बम रखने की अफवाहें जो उड़ रही हैं, लगातार फ्लाइट्स को डिले किया जा रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ट्रेन्स डिरेल हो रहे, पटरियों से उतर जा रहे हैं डब्बे, कहीं पर नुकसान हो रहा है कहीं पर नहीं, तो अचानक से ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, एक डेफिनेट पैटर्न के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इन सब चीज़ों में इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उग्र रूप धारण करेंगी जब 2025 में भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी सितंबर मंथ से। उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत उग्र रूप धारण करती चली जाएगी। तो हमारे देश पर भी यदि प्रहार हुआ तो हमारा देश तैयार है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार अर्जुन तैयार नहीं थे तो आज हमारा देश टाल रहा है हथियार उठाने के लिए या युद्ध को हमारे देश में शामिल करने के लिए। लेकिन अगर सामने वाले ने प्रहार किया तो हमारा देश भी चुपचाप नहीं बैठेगा। कारगिल युद्ध भी लड़ा हमारे देश ने और जीत भी हासिल की, और अब आने वाले समय के लिए हमारा देश तैयार हो रहा है। लेकिन न भी तैयार हो तो युद्ध के मैदान में तो उतरना ही है भारतवर्ष को, क्योंकि विश्वगुरु बनने के लिए उसे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को तैयार करवाया था हर काम के लिए, उसी प्रकार भगवान कल्कि हमारे देश को भी तैयार कर रहे हैं विश्वगुरु बनने के लिए। चाहो या ना चाहो, युद्ध का हिस्सा तो हमारा देश भी बनेगा, क्योंकि आस पड़ोस में यदि षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो षड्यंत्र बहुत खतरनाक हो, तो कब तक कोई गांधीवादी विचारधारा के साथ या बुद्ध की नीतियों को अपनाकर चलता रहेगा? क्योंकि आज का समय जो दिखला रहा है वो बिना अस्त्र उठाए और बिना प्रहार किए मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो जब तक इसे टाला जाए तब तक सभी के लिए अच्छा, क्योंकि युद्ध विनाश का ही दूसरा नाम है। रशिया यूक्रेन, ईरान इज़राइल, हमास हिजबुल्ला, लेबनान और अभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल तैयार हैं। एक रशिया को सपोर्ट करेगा, एक यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, यानी नए नए युद्ध के फ्रंट खुल रहे हैं और दुनिया विनाश की ओर जा रही है। तो आने वाले समय की तैयारी के लिए भारतवर्ष भी लगातार अपने हिडन वे में अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन दिखलाने के लिए नरेंद्र मोदी आज कहते हैं कि नहीं, शांतिप्रिय ढंग से युद्ध को टाला जा सकता है। अब आने वाला समय बतलाएगा, जब मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, कि किस प्रकार के हालात हमारे देश के सामने आते हैं और हमारा देश किस प्रकार उन चेतावनियों को भांपते हुए अपने आप को तैयार करके सामने वाले को ख़त्म करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।